हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल कृष्णा डिलीशियस। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए एक और रेसिपी, कैबेज से बने पकोड़े। तो आज मैं बताऊंगी आप लोगों को कि प्याज की तरह कैबेज से भी कैसे बनते हैं घर में टेस्टी पकोड़े। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। यहाँ पे मैंने लिया है एक छोटा कैबेज, जिसे मैंने पत्ता पत्ता स्लाइस कर लिया है। इसको डालेंगे अपने ब्लॉक बाउल में। और मैंने यहाँ पे लिया है दो ऑनियन, इसको भी मैंने लंबे लंबे स्लाइस कर लिए हैं, इसको भी हम इसमें डाल देंगे। यहाँ पे मैंने लिया है हरी मिर्च कटी हुई, ये मैंने लिया हाफ टेबल स्पून जीरा, और ये मैंने लिया है अजवाइन हाफ टेबल स्पून, और यहाँ पे मैंने लिया चिली फ्लेक्स। अब हम डालेंगे इसमें अपना बेसन। तो आप बेसन इसमें देख लीजिएगा, इसको मिक्स करते टाइम जितना भी आप इसमें बेसन डालेंगे, जितना यूज होगा उस हिसाब से आप बेसन डाल लीजिएगा। इसमें सबको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम डालेंगे इसमें अपना पानी। पानी यहाँ पे बहुत थोड़ा थोड़ा डालना है और इन सबको अच्छे से मिक्स करना है। देखिए यहाँ पे मैंने इसको मिक्स कर लिया है। अभी मैंने इसमें नमक नहीं डाला था, अब इसमें नमक ऐड करेंगे। मैंने इसमें पहले इसलिए नमक नहीं डाला था क्योंकि मिक्स करने के बाद कम हो जाता है, तो कभी कभी नमक इसमें ज़्यादा हो जाता है। तो आप अपने हिसाब से आपको पहले डालना या बाद में, तो आप एडजस्ट कर लेंगे। तो इसको एक बार हम फिर से मिक्स कर लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे मैंने अपना नमक भी मिक्स कर लिया है, अब ये बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको फ्राई करेंगे अच्छे से। यहाँ पे मैंने कढ़ाई लिया है, मैंने पहले से इसमें ऑयल डाल दिया था गर्म होने के लिए। हम एक बार अपना ऑयल चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा ऑयल भी गर्म हो चुका है। यहाँ पे हमने अपनी आंच मीडियम टू हाई पे रखा है, तो इसमें अपने पकौड़े फ्राई करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पकौड़े एक साइड से पक चुके हैं। अब हम इन्हें पलट लेना है एक एक करके सारे। यहाँ पे देखिए हमारे पकौड़े बिल्कुल फ्राई हो चुके हैं। देखिए इनका कलर कितना अच्छा आया हुआ है, हमें बिल्कुल इसी तरह से इन्हें क्रिस्प और गोल्डन ब्राउन रखना है। चलिए अब हम इसे निकाल लेते हैं अपनी प्लेट में। हम इसे एक टिश्यू पेपर पे निकाल लेंगे और अपने बाकी के भी पकौड़े बिल्कुल इसी तरह से फ्राई कर लेंगे सारे, और ऐसे ही ब्राउन होने तक इसे फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे हमारे बाकी के पकौड़े भी रेडी हो गए हैं, अब इसे भी हम अपनी प्लेट में निकाल लेंगे। और आप देख सकते हैं हमारे पकौड़े कितने जल्दी तैयार हो गए हैं। जब भी कभी आपके घर पे सबका पकौड़े खाने का मन करता हो और प्यास ना हो, तो आप ये वाले एक बार पकौड़े जरूर ट्राई करिएगा, कैबेज से बने। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी बनते हैं, तो आप एक बार इसे जरूर ट्राई करिएगा, ये बहुत ही अच्छे होते हैं। चलिए हम इसे अपने बाउल में सर्व करते हैं। इसे हम निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो आप हमारी ये पकौड़े वाली रेसिपी एक बार घर पे जरूर ट्राई करिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर।